हरियाम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। आप जो भी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों, ब्रह्मा जी की मूर्ति बनाए थे उसी मूर्ति को आज कलर पेंट करने वाले हैं दोस्तों। तथा कलर पेंट करना सीखेंगे। पहले तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ब्रह्मा जी को सब तरफ व्हाइट कलर से पेंट कर देंगे। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से सब तरफ पेंट कर देते हैं। और एक बात मित्रों, हमारे वीडियो थोड़ा बहुत आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी प्रकार की मूर्ति मेकिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से पेंट कर देते हैं। दोस्तों ब्रह्मा जी को यहाँ पे कट कर दूंगा दो वीडियो दोस्तों, वो कलर पेंट करना वाइट कलर, क्योंकि सारे तरफ इसी प्रकार की वाइट कलर ही से पेंट किया जाएगा तो इसलिए मैंने कट कर दिया दोस्तों। अभी हम शरीर को पेंट करने के लिए वाइट कलर और ऑरेंज कलर को मिला देंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार का कलर बन जाएगा तो इसी को शरीर पर कुछ इस प्रकार से अप्लाई कर पेंट करते जाएंगे दोस्तों। दोस्तों शरीर के सब तरफ पेंट कर देने के बाद अभी गोल्ड पे पेंट करने के लिए कलर को मिक्स करना पड़ेगा दोस्तों। ब्राउन कलर और येलो कलर को थोड़ा बहुत मिक्स करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से गोल्ड कलर पे पेंट कर देंगे गोल्ड पे। दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट गोल्ड कलर का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास तो गोल्ड कलर नहीं है इसलिए मैं इसी प्रकार से मिला करके बना दिया हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार से सारे ज्वेलरी को पेंट कर देंगे। दोस्तों सारे ज्वेलरी को पेंट कर देने के बाद अभी कमल के फूल के ऊपर पिंक कलर से कुछ इस प्रकार से पेंट कर देंगे सारे तरफ। दोस्तों धोती को और दाढ़ी मूछे को इस सब को वाइट ही रहने देंगे क्योंकि वहाँ पे कलर नहीं भरेंगे। ब्रह्मा जी को ज़्यादातर वाइट बालों के साथ ही देखा गया है तो मैंने इसलिए वहाँ पर छोड़ देंगे, वाइट ही रहेगा धोती भी और दाढ़ी मूछे भी, तो इसी प्रकार से व्हाइट कलर से छोड़ देंगे। अभी बनाने जा रहे हैं ब्रह्मा जी को आँख को। पहले दोस्तों जहाँ पे आँखों पे दोस्तों शरीर का कलर पेंट करते थे उसी जगह पे दोस्तों व्हाइट कलर से पेंट कर देंगे और कुछ इस प्रकार से दोस्तों होठों पे लाल कलर पेंट कर देंगे और आँखों जगह पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से छोटा सा ब्रश लेकर के दोस्तों आँख को बना देंगे तीनों फेस को। आँखों को बना देने के बाद यहाँ पे तिलों को भी बना देंगे दोस्तों ऊपर में तीनों मुखों की। आँखों को बना देने के बाद दोस्तों ऊपर में तिलक बना देंगे। तिलक बना देने के बाद दोस्तों हमारा मूर्ति जो है कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों
आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है दोस्तों, हाय आपके आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए राधे राधे दोस्तों, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये देख सकते हो दोस्तों ब्रह्मा जी का फाइनल लुक।